वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दे दिया गया है एंड एक्स वाई का वैल्यू बता दिया गया है 1। सो हमें x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सो x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म आ गया है। सो इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, सो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब हमें x प्लस वाई का वैल्यू पता है 2, सो इसे हम पुट कर देते हैं। सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इज 1, सो 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई इज 1, सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 माइनस 2 इज 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। सो डी करेक्ट होगा। थैंक यू।